मॉर्निंग गाइस, हम आए हुए हैं हम्पी और आज हम आए हैं यहाँ दुर्ग नरसिम्हा मंदिर। ये एक मोनोलिथिक स्टैचू है और इसे खंडित कर दिया गया था जब मुगलों ने विजयनगर पे हमला किया था। तो चलिए देखते हैं इस मूर्ति को। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये उर्ग नरसिम्हा स्वामी की मूर्ति है। ये एक मोनोलिथिक स्टैचू है, सिंगल स्टैचू से कार्य किया गया था और जब मुगलों ने यहाँ पे हमला किया था विजयनगर डायनेस्टी पे, उन्होंने इस मूर्ति को खंडित कर दिया था। ये काफी बड़ी मूर्ति है। काफी जगहों से पैर भी तोड़ दिए गए हैं और काफी जगहों से इस मूर्ति को खंडित कर दिया गया। और जैसे इसके सर पे आप देख सकते हैं, सर पे सांत सांपों का फन है जिसके नीचे नरसिम्हा स्वामी बैठे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसी नरसिम्हा स्वामी मूर्ति के पास है बड़वलिंगा और ये भी एक 3 मीटर लंबा लिंग है जो एक सिंगल स्टोन से कार्व किया गया था। चलिए देखते हैं ये शिवलिंग भी। यहाँ पे इस शिवलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिसे कन्नड़ में कहा जाता है बड़वलिंगा, बड़वलिंग। ये एक 3 मीटर से भी लंबा स्टैचू है। तो आप जैसे हमारे पीछे देख सकते हैं इसे कहा जाता है बड़वलिंगा। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत अंधेरा दिख रहा है। और ये काफ़ी बड़ा शिवलिंग है, मेरे ख्याल से ये इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट शिवलिंग्स है। और यहाँ पे पूजा होती है, अभी पंडित जी यहाँ पे पूजा करके गए हैं। देखिए इसे, आपको मैं एक क्लोजर लुक दे देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है बड़वलिंगा और यहाँ पे है